इस साल जहां एक ओर इरफान नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव जैसे सितारे चले, तो वहीं शाहरुख, सलमान और ऋतिक जैसे बड़े सितारों की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाईं। इतना ही नहीं, इन सितारों को बदलते सिनेमा और दर्शकों के बीच अपना स्टारडम बचाना भी मुश्किल लग रहा है। इस साल अजय की आंखों का जादू और एक्शन की धमक लोगों का दिल जीतने में कामयाब रही। उनकी फिल्म बादशाहों ने रिलीज के पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ की कमाई कर ली। हालांकि इससे पहले आई उनकी फिल्म सिंघम रिटर्न और शिवाय ने फैंस को काफी निराश किया था। संजय दत्त 2016 में जेल से रिहाई के बाद 58 साल के संजय एक बार फिर फिल्म भूमि से कमबैक के लिए तैयार हैं। दर्शकों को फिल्म भूमि में एक पिता का दुश्मनों से बदला दिखेगा। बता दें कि लगे रहो मुन्ना भाई 2006 के बाद हीरो के रूप में संजय ने कोई हिट नहीं दी। सुपरहिट अग्निपथ में भी उन्होंने विलेन का किरदार निभाया था। इमरान हाशमी साल 2012 के सितंबर में रिलीज हुई राज 3 के बाद इमरान ने सफलता का मुंह नहीं देखा। सीरियल किसर की इमेज तो धुली लाइन से उनकी फिल्में भी फ्लॉप होती रहीं। सीरियल एक्टर बनने के चक्कर में एक थी डायन घन चक्कर हमारी अधूरी कहानी अजहर जैसी फिल्में की बावजूद इसके सब नाकाम रहीं। वह 38 के हैं, अभी उम्र उनके हक में है। सनी देओल पिछले कुछ वर्षों में बॉलीवुड के अच्छे लेखकों निर्देशकों ने उन्हें ध्यान में रखकर कहानियां नहीं रची। जिन्होंने रची उनकी फिल्में नहीं चली। 59 साल में सनी बेटे करण को लॉन्च करने से पहले स्टारडम बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। वह कॉमेडी में खुद को आजमा रहे हैं। सैफ अली खान 47 साल के सैफ तैमूर के जन्म के बाद पर्दे पर आने को तैयार हैं। कॉकटेल और रेस 2 के बाद वे दर्शकों का मनोरंजन नहीं कर सके। हमशक्ल्स ने साख पर खूब बटा लगाया। आधा दर्जन लगातार फ्लॉप से उनकी सफलता का ग्राफ बिगड़ा हुआ है। काला कांडी और शिप से चुनौती तोड़ सकेंगे संदेह है। अर्जुन रामपाल अर्जुन कभी लोगों को पसंद आए तो कभी नहीं। मल्टी स्टारर फिल्मों में वे चलते रहे, परंतु सोलो हीरो के रूप में उनका रिकॉर्ड खराब ही रहा। उनकी 3 दर्जन फिल्मों में उनके अकेले दम पर हिट ढूंढना मुश्किल है। अर्जुन ने डैडी के रूप में बड़ा दांव खेला। अंडरवर्ल्ड डॉन से नेता बने अरुण गवली की बायोपिक में वो काफी फब रहे हैं।